क्योंकि हमारे लिए खतरे की घंटियां। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना यह होगा कि जिस तरह से पुतिन ने एक बार फिर से रूस की कमान संभाली है, इसका भारत के साथ आने वाले वक्त में क्या संबंध किस तरह से और बढ़ते हैं, कैसे व्यापार जो है दोनों देशों के बीच और बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे दिल्ली के ओखला विधानसभा से। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे का गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जिसमें नोएडा सेक्टर 95 के पेट्रोल पंप पर विधायक के बेटे ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए एक फिलिंग स्टेशन की लाइन तोड़ने के बाद जमकर हंगामा काटा। लाइन तोड़कर घुसने पर जब फिलिंग स्टेशन कर्मचारी ने उन्हें पेट्रोल देने से इनकार कर दिया, तो अमानतुल्लाह खान के बेटे ने कर्मचारी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की ओखला विधानसभा से आप विधायक अमानतुल्लाह खान पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हैं। अमानतुल्लाह के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, धमकी देने जैसे करीब 18 मामले दर्ज हैं। अब उनके बेटे का भी सत्ता का रसूख दिखाने का मामला सामने आया है। सर, गाड़ी एक लगी हुई आगे साइनबाग के विधायक जी का था, पर देख रहे थे तो गाड़ी आगे एक लगी हुई थी, तो पीछे उनकी गाड़ी लगी थी, तो हॉर्न पे हॉर्न मार रहे थे सर। उसके बाद हम आवाज़ दिए कि भाई साहब एक सेकंड बस कार्ड हो जाएगा तो आपकी गाड़ी मैं लगा दूंगा। इतने में पीछे लड़का बैठा हुआ बाहर निकलता है और गाली गलौज देने लगा। जब गाली गलौज देने लगा तो हमारे सुपरवाइजर पहुँचे, उसको मतलब बच्चे की तरह समझाए कि बेटा अभी ढल जाएगा एक सेकंड, तो उनको धक्का उक्का दे दिया। उसके बाद जो है हम लोग से मारपीट करने लगा, तो हमारे और कर्मचारी जाके बच बचाव करने लगे बीच में, तो उनको भी धमकी देने लगा। फिर उसके बाद जो है तो हमारे मैनेजर साहब को भी धमकी देने लगे कि जान से मार दूंगा आज शाम को, यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा, हमें नहीं पहचानते हो, हम विधायक के लड़के हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र माही, किस मामले को लेकर यह विवाद हुआ था जिसमें अमानतुल्लाह खान के बेटे और जो पेट्रोल पंप में कर्मचारी काम करते हैं उनके बीच अब किस तरह से ये गुंडागर्दी जो है वो अमानतुल्लाह खान के बेटे की तरफ से की गई है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास जो अमानतुल्लाह जो आम आदमी पार्टी से विधायक है, उनका जो लड़का है अनस, वो इस पेट्रोल पंप पे लाइन में खड़ा था और कहीं ना कहीं वो जल्दीबाजी में था, उसने पेट्रोल पंप की लाइन तोड़ी और सीधा जाके पेट्रोल डलवाना चाहता था। इसके बाद जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी, उन्होंने कहा कि आप लाइन मत तोड़िए, आप अपनी बारी से आइए। इसी बीच जो अनस था, यानी कि जो अमानतुल्लाह का लड़का था, उसने गाड़ी की डिग्गी खोली, उसमें जो पाना होता है लोहे का, जो एक रोड आप उसको कह सकते हो, उससे हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद आपने देखा किस तरीके से जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी है उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद कहीं ना कहीं गाली गलौज करके जो अनस है वो वहां से निकल गया। उसके बाद मामला यही नहीं रुकता, जो अमानतुल्लाह खान है जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी से विधायक, खुद आते हैं अपने गनर के साथ और मैनेजर को धमकाते हैं कि अगर मैं तुझे मार दूंगा तो मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, और जो तेरा क्षेत्र है दिल्ली के बिल्कुल करीब है। कहीं ना कहीं सारे मामले को देखते हुए पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज कर लिया है अमानतुल्लाह के खिलाफ और जो उसका लड़का है अनस के खिलाफ। अब पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि देखिए जो छानबीन की जा रही है और जल्द इस पे बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है महेंद्र भाई, क्योंकि जो FIR दर्ज की गई है उसकी कॉपी भी हम दिखा रहे हैं, किन धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है? बिल्कुल, देखिए जो इसमें धाराएं लगाई गई हैं उसमें 323 लगाई गई है, 406 लगाई गई है, 407 लगाई गई है, ये ऐसे गंभीर धाराएं हैं जो मारपीट करने का आरोप है, उसमें अमानतुल्लाह और साथ साथ उनका जो बेटा है अनस, उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस यहां से जो कि दिल्ली रवाना हो चुकी है कुछ ही देर में, जो ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस इनको हिरासत में ले सकती है, उसके बाद कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी कर सकती है। तो आज पूरी रात तो उनको अगर ऐसा होता है तो पूरी रात उनको जेल में काटना होगा। मगर देखिए सबसे बड़ी बात इस वीडियो में कि आपने देखा किस तरीके से अमानतुल्लाह खुद पेट्रोल पंप पे आते हैं और जो मैनेजर है, जो पेट्रोल पंप के मैनेजर है, उसको भी धमकाते हैं कि जो ये तेरा पेट्रोल पंप है ये बिल्कुल शाहीन बाग के बिल्कुल नजदीक है, यमुना पार के पास है। तो कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी की वीडियो है वो सामने आ रही है। एक तरफ उनका लड़का जो लोहे की रोड से पेट्रोल कर्मचारी पे हमला करने वाला कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके पिता आते हैं वो भी धमकी देते हैं, जबकि इसमें ये होना चाहिए था कि बेटे को समझाना चाहिए था, मगर यहाँ विधायकी का रौब झाड़ रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर जो नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, किया है,
चाहे हम अमानतुल्ला की बात करें या उनके बेटे अनस की बात करें, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और ये भी बताया जा रहा है कि उन दोनों की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस की एक जो टीम है वो दिल्ली रवाना हो चुकी है। कुछ देर पहले ही जो विधायक थे और जो उसका लड़का था उससे पुलिस की बातचीत हुई, जब उसके बाद जो पेट्रोल पंप के जो मैनेजर उनके द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो अमानतुल्ला खां है और जो अनस उनके द्वारा हमें जान से मारने की धमकी मिली है। और जो फुटेज है, आपने फुटेज भी देखा होगा किस तरीके से जो एक ब्रिजा गाड़ी है उससे उतर के जो अनस है वो उतरते हैं और लोहे की रोड निकालते हैं और कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जी चलिए, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिहार में नए नए नेता कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में बहुत रोजगार दिया है। क्या वो बताएंगे कि किस विभाग में उन्होंने नियुक्तियां की हैं? अपने विभाग में तो एक भी नियुक्ति नहीं की है।